गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म का उदय के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया, यानी कि राष्ट्र राज्य जो है वो बन गए। इसका मतलब ये था कि लोगों के अंडरस्टैंडिंग में चेंजिंग हुआ, वे कौन हैं और कौन सी बातें उन्हें परिभाषित करती है ना, उनकी आइडेंटिटी को परिभाषित करती है, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की भावना यानी कि साझापन की भावना का विस्तार हुआ। जब न्यू सिंबल्स गढ़े गए, नए चिन्ह गढ़े गए और न्यू सॉन्ग्स आदि की रचना की गई, तो इसके कारण जो है उनकी जो विचार जो थे उनका एक नया बाउंड्रीज यानी कि नई सीमाएं सामने आने लगी। अधिकतर देशों में ये सारी जो घटनाएं हुई एक लंबे प्रोसेस के बाद हुआ, यानी कि यूरोप जो देश था वहाँ पर जैसे ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ वैसे ही लोगों में आधुनिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। आधुनिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होने के साथ ही उनके विचारधाराओं में परिवर्तन होने लगा, वे कौन हैं, उनकी कौन सी बातें उन्हें परिभाषित करती है, ये सारे विचारधाराओं में परिवर्तन होने लगा, यानी कि उनकी जो पहले विचारधारा जो संकीर्ण थी अब उनमें विस्तार हुआ, यानी कि उनकी विचारधारा एक नई बाउंड्रीज को एक नई सीमाओं को टच करने लगी। पर ये एक दिन की प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय के स्ट्रगल के बाद एक लंबे दौर की प्रक्रिया के बाद ये आया सामने। तो यूरोप में ऐसा हुआ, पर अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में ये जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो अब इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिया और बहुत सारे इंडिया जैसे कंट्री जो किसी न किसी देश के कॉलोनीज से, वहाँ पर मॉडर्न जो नेशनलिज्म का जो उदय हुआ वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ कर हुआ। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब जो ऐसे देश जो इंडिया और इंडिया जैसे दूसरे देशों पर शासन कर रहे थे तो उनके विरुद्ध उन्होंने जो आंदोलन किया, तो आंदोलन के फलस्वरूप वे एक दूसरे के नज़दीक आए, उनमें यूनिटी की भावना आई। उनको लगा कि जब हमारे दुश्मन एक है तो क्यों न मिलकर हम लोग उनका सामना करें, तो ये भावना भी उनमें यूनिटी की भावना लाई। यद्यपि देखा जाए तो जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उनके द्वारा जो दमन के शिकार जो लोग थे, अलग अलग कम्युनिटीज थी, अलग अलग क्लासेस थी, तो उनका एक्सपीरियंस उनका अनुभव पीड़ा अलग अलग थी और उनके लिए फ्रीडम के मायने अलग अलग थे, स्वतंत्रता की मायने अलग थी। मान लीजिए जब किसी किसान की हम बात करें तो किसान इसलिए पीड़ित था कि उनसे किराया, ज़मीन का किराया ज़्यादा लिया जा रहा था, फसल हो या ना हो उनसे किराया वसूला जाता था, तो वे चाहते थे, अधिकतर उनसे बंधुआ मजदूरी की करवाई जाती थी, तो वो चाहते थे कि एक ऐसा समय आए जब हमें ये सारे काम न करने पड़े और हमारे जो मजदूरी की एक अच्छी कीमत मिले। और जो ही जो छोटे किसान थे वे चाहते थे कि वे उन पर जो उनके ज़मीन पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वे टैक्स कम हो, क्योंकि वे इस बात से पीड़ित थे कि उनसे मुँह मांगा मनमाना जो है टैक्स जो है सरकार ले रही थी। इसलिए वो चाहते थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो और उनके लिए स्वतंत्रता का मायने ये था कि उनकी टैक्स में कमी हो। इसी तरह से जो बिजनेसमैन थे वे चाहते थे कि उनके बिजनेस के फलने फूलने के उचित अवसर हमें प्राप्त हो, क्योंकि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था उस समय जो हमारे व्यापारियों थे उन व्यापारी को के हितों की कोई रक्षा नहीं की जाती थी और ऐसे ऐसे नियम बनाए जाते थे जिससे अंग्रेजी व्यापारियों को फायदा हो, हमारे भारतीय व्यापारियों का नुकसान हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग क्लासेस की अलग अलग कम्युनिटीज़ की पीड़ाएँ भी अलग अलग थी, पर उनके लिए स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे, पर उन्होंने जो है मिलकर अंग्रेजों का सामना करने की कोशिश की। और जो कांग्रेस था जो महात्मा गांधी की अगुवाई में, उन्होंने इन सारे कम्युनिटीज़ को इन सारे ग्रुप्स को एक साथ एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। पर आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी यूनिटी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के नहीं होता। तो अगले पैरा में हम पढ़ेंगे बच्चों कि पुराने टेक्स्ट बुक में हम लोग नेशनलिज्म के बारे में, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़े, पर 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक ही पढ़े। इस चैप्टर में हम लोग 1920 से आगे की कहानी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया और कैसे जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जो लोग थे वो किस तरह से मूवमेंट में आंदोलन में भाग लिया और कैसे जो है नेशनलिज्म जो थी वो आम लोगों के इमेजिनेशन को प्रभावित किया। तो बच्चों आज हम लोग बस इस इंट्रोडक्शन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, कल इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए।